कुलदीप कुमार जी, क्या आप लोगों का एजेंडा क्लियर है? क्या आप लोगों की बातें एकदम क्लियर हैं कि आप लोग किसके खिलाफ, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या निकला कल की आपकी मीटिंग के बाद? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। इंडिया जो गठबंधन है वो इस देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ेगा, वो इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ेगा। जो एक आदमी को अमीर बनाने के लिए मोदी जी ने दिन रात मेहनत करी है, उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ेगा। इस देश में समानता लाने के लिए, भाईचारे लाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अभी सजाद जी भ्रष्टाचार में बात कर रहे थे, सजाद जी के मुंह से भ्रष्टाचार पर कही हुई बात और मोदी जी के मुंह से कही हुई बात बिल्कुल अच्छी लगती है, क्योंकि इनको याद होना चाहिए कि जिस अजीत पवार के लिए देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, उसको लाके अपनी सरकार में दो दिन बाद उप मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा की वॉशिंग मशीन में उसको निहराने का काम किया। नारायण राणे की बात कर लो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा जिसके खिलाफ वोटर स्कैम की बात करते थे, वो भाजपा में आके शामिल हुआ और होने के बाद उसको वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। हसन मुश्रीफ की बात कर लो, चीनी मिल में घोटाला था, बाद में भाजपा में शामिल हो, तो भ्रष्टाचार पे तो इनका, इनको बोलना नहीं चाहिए। ये वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये इनका चाचरित चेहरा है। और दूसरी बात ये, आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, एक आदमी को प्राची जी, एक आदमी को अडानी को इस देश की सारी संपत्ति बेचने का काम किया, किसने किया? मोदी जी ने करने का काम किया। इस देश की सारी संपत्ति, चाहे रेल की बात हो, सेल की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, पोर्ट की बात हो, जमीन की बात हो, समुद्र की बात हो, सब किसको बेचा? मैं जाना नहीं चाह रही थी सर, मैं इस दिशा में भी नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना लंबा कर दिया कि मुझे पलट कर आपसे पूछना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार पर आपकी नीति, आपके विचार, आप जिन पर आरोप लगाते थे, आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? आपने एक लाइन का इस्तेमाल किया था कि इनकी कुछ मजबूरी रही होगी, गठबंधन कर रहे हैं संजय सराफ जी को, आप लोगों की क्या मजबूरी थी? आप तो कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से नहीं थे। देखिए हमने ना आज आप एक बात देखिए, आज जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां किसका प्रयोग होता है? वहां ईडी का प्रयोग होता है, वहां सीबीआई का प्रयोग होता है, वहां पैसे का प्रयोग होता है, ऑपरेशन लोटस का प्रयोग होता है, वहां की सरकार को गिराया जाता है। और नहीं गिरती है जब आप किसी के नेता को उठा के सीबीआई उठा ले, बीजेपी की बात है, एक साल जेल में रखे, बीजेपी के भाजपा में शामिल हो जाओ, बीजेपी के खिलाफ आपका जो स्टैंड था वो स्टैंड आपका कायम है। एक सेकंड संजय, वहां पर सुप्रीम संजय जी एक मिनट, आप कुलदीप जी सुनेंगे नहीं, फिर उसके बाद देखिए ओवरलैप होती रहेंगी बातें और आप शिकायत करेंगे कि मैंने आपको समय नहीं दिया। मैं आपको भरपूर समय दे रही हूं, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए आप। एक मिनट कुलदीप जी, कुलदीप जी, बीजेपी के खिलाफ तो आपका स्टैंड क्लियर है, मैं मान गई ये लोग भ्रष्टाचारी हैं आपके कहने पर, मैं पूछूंगी शहजाद पूनावाला जी से, लेकिन आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। लालू प्रसाद यादव जो आपकी नजर में बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, कल उसी मंच से खड़े होकर बता रहे हैं कि पशुपालन में उन्होंने कितना घोटाला किया और कितना नहीं किया। उस वक्त आपको नहीं नजर आई अपनी नीति, तब नहीं नजर आया कि भ्रष्टाचार इस देश के लिए कितना खतरनाक है? देखिए प्राची जी वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सवाल अगर आप भाजपा वालों से पूछते, देश के प्रधानमंत्री से पूछते, कि उनसे पूछते कि दो दिन पहले जिसको भ्रष्टाचारी बता रहे थे उसको शामिल क्यों कर लिया पार्टी के अंदर? आपने पूछा उनसे? भ्रष्टाचार पर आप अगर डिबेट को लेकर आए हैं, भ्रष्टाचार पर अगर आप सवाल कर रहे हैं, तो पहले मैं आपसे काउंटर करूंगी, जवाब के बाद में शहजाद पूनावाला जी के पास जाऊंगी। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार की बार मोदी सरकार, क्या हुआ मोदी सरकार का? एक क्या हुआ उस मोदी सरकार का? एक यानी आपके पास जवाब बहुत हुई भ्रष्टाचार, यानी आपके पास जवाब नहीं हुआ, आपके पास जवाब नहीं है कुलदीप कुमार जी। आप बेशक कहते रहिए कि मैंने इनसे पूछा कि नहीं पूछा, डिबेट को आप लेकर गए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, मैं नहीं लेकर गई थी, तो मुझे काउंटर आपसे पूछना था कि आपकी नीति कहाँ चली गई, आपके विचार कहाँ चले गए? आप एक मिनट रुक जाइएगा कुलदीप जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, मैंने आपकी विचारधारा आज भी वही है, क्या विचारधारा की सरकार के अंदर एक रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई बीजेपी? अरे तो फिर लोगों के साथ क्यों जाकर खड़े हो गए जो भ्रष्टाचारी थे? कुलदीप जी सवाल तो मेरा ये था, ये अजीत पवार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ? इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता तो मोदी जी हैं। एक मिनट में आ रही हूं, इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता तो मोदी जी हैं। एक दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए अब मैं जवाब ले रही हूं। मैं आपसे उम्मीद ये करूंगी कुलदीप कुमार जी कि आप शांत रहेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूं। शहजाद पूनावाला जी शांत थे, वो शांत थे, आपके बाकी साथी भी कह देंगे।
शहजाद पूनावाला जी, भ्रष्टाचार पर आप लोगों की नीति बहुत खराब है। अजीत पवार वाला बयान कोई भूला नहीं है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था, आज वो आपके साथ है ना, क्यों? ठीक, 30 सेकंड बिना हस्तक्षेप के रिक्वेस्ट कुलदीप जी प्लीज। इन्होंने कहा ना कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, 2 दिन पहले का ट्वीट है अलका लांबा, आपके ठगों से सावधान, ये महाठग है। अलका लांबा जी का 2 दिन पुराना ट्वीट है। अब मैं तो कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दो, साबित किसी के ऊपर नहीं हुआ ये कह रहे थे अभी, पर लालू जी के ऊपर 4 बार साबित हुआ है, लालू जी पर स्टैंड और अलका जी के ट्वीट पर स्टैंड, क्योंकि अलका जी वही व्यक्ति है जिसने ईडी ने जब कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर की तो पूरे दिल्ली में पोस्टर लगवाया कि सही कार्रवाई हुई है। अब वो गलत था या आप सही हो, या आप सही हो और लालू जी गलत है, ये बता दीजिए। आपने हमें तो घोषित कर दिया, जनता जानती है, जनता को पता है कौन ईमानदार है कौन सच्चा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है और अलका लांबा ने आपके बारे में कहा ये सही है गलत। चलिए जवाब दे दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, आपके साथ ही बता दीजिए, आप बता दीजिए ना इस पर क्या बोला, बताइए ना, वो गलत आरोप है। चलिए मैंने बोल दिया, अब अलका लांबा का बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ गलत आरोप है, आप बता दीजिए अलका लांबा का क्या है। कुलदीप जी आपने मुझे उस एमएलए का पूछा ना, सुन लीजिए ना कुलदीप जी, एक मैच्योर संवाद करते हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा हूँ, इसीलिए रिस्पेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि आप विधायक भी, सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ सीधे तौर से कि भाजपा उस गलत बयान का खंडन करती है। अब बताइए आप खंडन करते हैं अलका लांबा का, उन्होंने तो आपके पार्टी के मुखिया को भ्रष्ट बोला, करते क्यों नहीं करेंगे, तो बोल दीजिए फिर कांग्रेस को कि क्या है ये, आपको भ्रष्ट बोल रहे हैं, आप तो सोनिया जी को जेल भेजना चाह रहे थे, लालू जी कन्विक्टेड है और जो कन्विक्शन जो करप्शन में लिप्त है वो आपको करप्ट बोलने जा रहे हैं, क्या दिन आ गया, आपका पोस्टर भी हटा दिया, आपकी क्रेडिबिलिटी भी हटा दी, मतलब कि मुझे तो आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, अभी आपको सराव जी के लिए बुरा लग रहा था, मुझे आप पर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और पोस्टर से गायब, मान्यवर पोस्टर से गायब। अरे पहले आप चाचा भतीजे की लड़ाई में आपके साथ ना चाचा रहे और जो भतीजे बन के आए थे आप, जिसके वो आपको ही किस प्रकार से 420 में उलट रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच उन सवालों का जवाब नहीं आ पाया। कुलदीप जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे मेरे सवालों का जवाब लेने दीजिए, जैसे मैं आपसे ले रही थी मुझे शहजाद पूनावाला जी से भी लेने हैं। भ्रष्टाचार पर उन सवालों का जवाब नहीं आ पाया जो अजीत पवार को लेकर आपके बयान थे, नारायण राणे को लेकर आपके जवाब सवाल थे, रुक जाइएगा कुलदीप जी प्लीज। बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं आज की तारीख में पूछ रहा हूं कि कोई भी कोर्ट का प्रोसेस इन व्यक्तियों के खिलाफ है तो दिखा दीजिए एक भी, पर जिसके ऊपर कोर्ट के 4 कन्विक्शन है उस पर ये स्टैंड नहीं ले रहे और भ्रष्टाचार पर सब सवाल पूछ रहे हैं। आरोप एनसीपी पे लगाया था और शरद पवार जी अपने आप को आज भी एनसीपी मानते हैं, और अगर वो आरोप सही है तो कांग्रेस की सरकार में चला तो कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी क्यों बैठी है, जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया क्योंकि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का था, तो बताइए कांग्रेस ने किया कि नहीं किया घोटाला, पहले बताइए कांग्रेस ने किया नहीं किया घोटाला 2004 से 2014 के बीच, 4 से 14 के बीच घोटाला हुआ नहीं हुआ, बताइए। रुक जाइए कुलदीप जी और शहजाद पूनावाला जी, रुक जाइए, देखिए सुनील सिंह साजन जी मुस्कुरा रहे हैं इन बातों पर, मैं उनको जरा चर्चा में लेता हूं। एक लास्ट वाक्य, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।